नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। गुमला में मंगलवार को रांची से पहुंची एसीबी की टीम ने रिश्वत लेने के आरोप में गुमला के डीसी एलआर ऑफिस कार्यालय के दो महिला कर्मचारियों को रंगे हाथों घूस लेते हुए गिरफ्तार कर अपने साथ नियंत्रण कक्ष ले जाकर पूछताछ की। इसके बाद रांची लेकर रवाना होगी। वह इस कार्रवाई से जिले के सभी कार्यालयों में हड़कंप मच गया है। बताया जाता है कि एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम को शिकायत की गई थी, जिसके बाद टीम ने आज पहुंचकर यह बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें टीम के अधिकारी ने बताया है कि चंदू उराव जमीन बिक्री करना चाहता था, जो पावर ऑफ अटॉर्नी एडवोकेट अमर कुमार सिन्हा को दिया, जिसके परमिशन के लिए डीसी कार्यालय में फाइल जमा था, जहाँ एलआर डीसी की पेशकार बीना देवी ने 4100 रुपए की रिश्वत की मांग की थी, जिसे सूचना पर पहुंचे टीम ने रंगे हाथ घूस लेते हुए गिरफ्तार किया, जिसके बाद बीना देवी के घर की भी तलाशी ली जा रही है। ये चंदू राव हैं, जो दोनों पैर से विकलांग है, वो जमीन बेचना चाह रहे थे। वो पावर ऑफ अटॉर्नी दिए एडवोकेट अमर कुमार सिन्हा को परमिशन के लिए, समझे? तो यहाँ परमिशन के लिए फाइल हुआ था। ये एलआरडीसी के पेशकार जो है वीना देवी, इनके द्वारा 4100 रुपए की डिमांड हो रही थी। एसीबी को जैसी इन्फॉर्मेशन मिला, उसके बाद तत्पर कार्रवाई हुई। आज 4100 रुपये लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार की गई है। दो लोगों की गिरफ्तारी की सूची है, वो कंसीडर होगा। मेन लेने वाली एक ही वही है, वीना देवी।